नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एलिवेटर एकेडमी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा ये वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सारे मॉड्यूल्स का, ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है हमारे, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल 4 के बारे में। ये मैकेनिकल एलिवेटर इंस्टॉलेशन के बारे में है, और इससे पहले हमने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 का वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, और आशा है आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो इन पुराने तीनों मॉड्यूल का, 1, 2, 3 मॉड्यूल्स का हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं ये मॉड्यूल 4 का इंट्रोडक्शन। और हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे वो भी इस इंट्रोडक्शन का फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसा हमने बताया मॉड्यूल 4 है मैकेनिकल एलिवेटर इंस्टॉलेशन के बारे में, तो इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी उनका इंट्रोडक्शन आज हम आपको देंगे, तो चलिए देखते हैं। ये ऑनलाइन कोर्स है और जूम के ऊपर कंडक्ट करेंगे। आपको एक लिंक शेयर करेंगे जिससे कि आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कहीं से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन करीब 50 घंटे का है और ये करीब 4 घंटे पर वीक आपसे हम लोग लेंगे। मिनिमम 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, और अगर आपने इससे पहले कोर्स में हमारे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 किए हैं तो बहुत ही अच्छा है। वैसे आप डायरेक्ट भी मॉड्यूल 4 कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बेटर तो यही होगा कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से करें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए। ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 4, इसकी जो फीस है 5,000 रुपये है रेगुलर फीस, बट क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है और लॉकडाउन भी चल रहा है कहीं कहीं जगह, तो बहुत से लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि उनकी जॉब नहीं है या जॉब छूट गई है या सैलरी नहीं आई है, तो कृपया इसको थोड़ा देखें। तो हमने इसकी फीस को रिड्यूस कर दिया है 1,000 रुपये, और ये करीब 31 मई 2021 तक है, और ये इंडियन नेशनल के लिए है सिर्फ। अगर इफ यू आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया प्लीज कॉन्टैक्ट अस, वी विल शेयर डिटेल्स विद यू। हम लोग आपको एक लिंक देंगे फीस पेमेंट के लिए, जैसे ही आप फीस करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप अपना इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस मॉड्यूल को ज्वाइन करेंगे। इस मॉड्यूल 4 में आप क्या क्या चीजें लर्न करेंगे, अब चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस मॉड्यूल में बताएंगे कि बैलेंसिंग कैसे आपने चेक करना है। स्टैटिक बैलेंस क्या होता है ये आपको बताएंगे, डायनामिक बैलेंस क्या होता है फिर ये बताएंगे हम आपको इसके बारे में डिटेल में। आपको अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बड़ा बहुत काम का टॉपिक है ये, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो इंस्टॉलर हैं, हमारे इरेक्टर हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं होता है। और फिर फिलर वेट्स कैसे डालने हैं काउंटर वेट में, बैलेंसिंग कैसे चेक करने के बाद, तो वो आपको बताएंगे कितने डालेंगे, कब डालेंगे। सीओपी कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको बताएंगे, क्या क्या हाइट कितनी रखनी है केबिन के अंदर सीओपी की, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कोड क्या कहता है हमारा आईएस कोड वो बताएंगे। ऐसे ही एलओपी के बारे में बताएंगे कि कितनी हाइट पे एलओपी रखना है, कहाँ रखना है, लेफ्ट पे लगाना है कि राइट पे लगाना है, वो सब आपको गाइड करेंगे। कंट्रोलर कैसे फिक्स करना है, कहाँ फिक्स करना है, वो सब आपको इस मॉड्यूल में हम बताएंगे। बाकी इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशन हैं वो आपको कैसे करना है, वायरिंग के लिए तैयारी कैसे करनी है अगर आपने करनी है तो, ट्रफ कैसे लगाना है, जंक्शन बॉक्सेस कैसे लगाने हैं, केबल हैंगर कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है केबल हैंगर, कितनी हाइट पे लगाना है, वो सब आपको बताएंगे। लिमिट स्विचेस कैसे लगाने हैं, कितने कितने लगाने चाहिए, शाफ्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे लगेगा ये लिफ्ट के अंदर वो बताएंगे आपको, शाफ्ट की वायरिंग कैसे होगी, मशीन रूम की वायरिंग कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको, कार्ट ऑफ वायरिंग कैसे होगी वो बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो है ये स्टेज 3 पूरा हो जाएगा,
और इंस्टॉलेशन का स्टेज 3 होता है, उसकी क्वालिटी चेक होएगी। इंजीनियर आता है क्वालिटी चेक करने के लिए, तो आपको क्या क्या चीजें चेक करेगा वो आपकी आप पहले से चेक करके रखें जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, लिफ्ट अच्छी क्वालिटी से लगे। तो इस जब आप ये मॉड्यूल पूरा कर लेंगे तो इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। अगर आपने स्किल टेस्ट पास कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट भी हम लोग देंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारे पास कुछ 25-26 मॉड्यूल हैं, और ये मॉड्यूल हमारे 0 से शुरू होते हैं, मॉड्यूल 0, 1, 2, 3, 4। आज जो हमने बात किया है मॉड्यूल 4 के बारे में, अभी आपसे बात किया है। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो मॉड्यूल 5 होगा, और इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऊपर होगा वो। और उसके बाद एक मॉड्यूल और है इलेक्ट्रिकल का, पूरा जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के ऊपर, टेस्टिंग कमीशनिंग के ऊपर होगा। और भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं हमारे यहाँ, देखेंगे मॉड्यूल 7, 8, 9, 10, 11, ये अलग अलग मॉड्यूल हैं। और भी मॉड्यूल हैं, ये आप देखेंगे जीएडी के ऊपर मॉड्यूल है, एलिवेटर कोटेशन कैसे बनाना है, टेक्निकल नॉलेज फॉर सेल्स पीपल, ये भी एक मॉड्यूल है। मैकेनिकल डिजाइन एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है हमारा ट्रेनिंग का, मॉड्यूल 21, 22। इन सबके ऊपर वीडियो अलग अलग आपको मिलेंगे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया आपने तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर हमसे पूछें। और कोरोना का टाइम है, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, घर से बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें, और वीडियो हमारे देखते रहें। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर।